हिल क्लाइंब रेसिंग तो हम सब ने खेला होगा, जो कि एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक था, और इसने रिलीज के पहले ही साल 100 मिलियन डाउनलोड्स भी क्रॉस कर लिए। गेम के सक्सेस को देखकर डेवलपर्स ने हिल क्लाइंब रेसिंग 2 भी बनाया और वो भी हिट गेम निकला। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस पूरे फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। जहां पहले हिल क्लाइंब रेसिंग के यूट्यूब वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते थे, वो अब 1 लाख व्यूज भी पूरे नहीं कर पा रहे। आखिर इस गेम के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों ने इसे अबैंडन कर दिया, यही जानेंगे इस वीडियो में। भाई ये वीडियो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई क्या? वेल, इस वीडियो में मैं आपको हिल क्लाइंब रेसिंग के राइज एंड फॉल के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं इस वीडियो के एंड तक मैं खुद का भी हिल क्लाइंब रेसिंग गेम बनाने वाला हूँ, वो भी 3D में, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके खेल भी पाओगे अपने मोबाइल डिवाइसेस में। ओ भाई, ये हिल क्लाइंब रेसिंग 3 है। अब मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत से लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने कर रखा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब फिंगरसॉफ्ट के फाउंडर ने तो 3 महीनों के अंदर हिल क्लाइंब रेसिंग गेम को बनाया था, जहां उनकी हेल्प के लिए उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने गेम का आर्टवर्क बनाया था। कहा जाता है कि उस समय फिंगरसॉफ्ट कंपनी बड़े कर्जे में थी, लेकिन मेरे पास तो बस इस वीडियो का ही टाइम है इस गेम को बनाने के लिए, और इसमें मेरी हेल्प करेंगे गेम ऑन बजट, जिन्होंने पूरे गेम को ही बनाया है, तो आप उनके चैनल को भी चेकआउट जरूर करना। किसे पता था कि इतनी डेडिकेशन से डेवलप की गई ये गेम फाइनली कंपनी के लिए मोस्ट पॉपुलर साबित होगी। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 की सफलता की शुरुआत 2012 में हुई, जब फिनिश स्टूडियो फिंगरसॉफ्ट ने हिल क्लाइंब रेसिंग को प्ले स्टोर पर रिलीज किया। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, इसमें रियलिस्टिक फिजिक्स के साथ अलग अलग लेवल्स भी थे जिसने गेमर्स को चैलेंज करके रख दिया। तो अब बात करते हैं हिल क्लाइंब रेसिंग के प्लॉट की। बिल न्यूटन, जो कि गेम का प्रोटैगनिस्ट है, आपको उसकी हेल्प करनी है ऊबड़ खाबड़ पहाड़ चढ़ने में। ऑन योर वे आपको काफी सारे कॉइन्स मिलेंगे जिन्हें कलेक्ट करने से आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। आपका फोकस मेनली 3 चीजों पर होगा, ड्राइविंग, बिल न्यूटन की सेफ्टी और गाड़ी का फ्यूल। हाँ, अगर मन हुआ तो आप कॉइन्स भी कलेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ेगा, रास्तों की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएंगी। और हाँ, गेम में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गेम को डेवलप ही रियलिस्टिक फिजिक्स को ध्यान में रखकर किया गया है। अगर आपकी गाड़ी अपसाइड डाउन हो जाती है तो हमारा कैरेक्टर भी मर जाता है और गेम ओवर हो जाता है, तो गेम में हमारे कैरेक्टर के सर का ध्यान रखना काफी जरूरी है। आज की डेट में भी हिल क्लाइंब रेसिंग 1 दुनिया के टॉप 7 मोस्ट डाउनलोडेड गेम्स में से एक है। लेकिन आखिर हिल क्लाइंब रेसिंग में आखिर ऐसा क्या खास था जिसने इस गेम को इतना पॉपुलर बना दिया? सबसे पहली चीज है यूनिक गेम प्ले मैकेनिक्स। गेम का एसेंस था मुश्किल पहाड़ों को क्रॉस करना, वो भी रियलिस्टिक फिजिक्स को ध्यान में रखकर, जिसने गेम को चैलेंजिंग और फन बना दिया। दूसरा रीजन है डाइवर्स रेंज ऑफ लैंड व्हीकल्स। प्लेयर्स का गेम प्ले मेजरली व्हीकल पर ही डिपेंडेंट है। एज ए प्लेयर गेम में आपकी जर्नी सिंपल कार से शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे लेवल्स बढ़ेगा आपको अलग अलग टाइप के व्हीकल्स का एक्सेस मिलता रहेगा, एंड यहाँ पे आप जितने महंगे व्हीकल्स लोगे उतनी ही जल्दी आपके लेवल्स भी कंप्लीट होंगे। गेम की सक्सेस का तीसरा सबसे मेजर फैक्टर है इसके लेवल्स। गेम में आपको मौका मिलता है आर्कटिक स्लोप से लेकर लूनार सरफेस तक अनोखे लैंडस्केप एक्सप्लोर करने का, और हर लेवल अलग चैलेंजेस के साथ में आता है। बस मेरा फेवरेट लेवल तो मून लेवल था, जहाँ पे हमें बहुत सारे कॉइन्स फ्री में मिल जाते थे। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जनवरी 2016 में इस गेम के 400 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो गए। गेम की पॉपुलैरिटी को फर्दर कैपिटलाइज करने के लिए फिंगरसॉफ्ट ने नवंबर 2016 में हिल क्लाइंब रेसिंग 2 को रिलीज किया। पहले तो ये एंड्रॉइड डिवाइसेस पर लॉन्च हुआ, लेकिन आगे चलकर इसे iOS और विंडोज पर भी लाया गया। फिंगरसॉफ्ट ने हिल क्लाइंब रेसिंग 2 में ग्राफिक्स और गेम फीचर्स में बहुत से इंप्रूवमेंट्स किए। विजुअली भी गेम को बेटर लुक दिया गया, एंड डेवलपर्स ने गेम के अंदर नए एनिमेशंस भी इंट्रोड्यूस किए। अब प्लेयर्स के पास कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस हैं, जिससे वो अपने व्हीकल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड ये सब देखने के बाद तो मानो फैंस बिल्कुल पागल ही हो गए। हिल क्लाइंब रेसिंग 2 ने मल्टीप्लेयर मोड को भी इंट्रोड्यूस किया, और मल्टीप्लेयर मोड की वजह से ये गेम पहले से भी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया। गेम भले ही 2016 में लॉन्च किया गया हो, लेकिन इसे और ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिलने लगी जब कोविड की वजह से लोग अपने घर पर बैठे हुए थे और उन्हें हिल क्लाइंब रेसिंग 2 के बारे में पता चला। यही वो टाइम है जब हिल क्लाइंब रेसिंग 2 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। काफी बड़ा फैन बेस तो सिर्फ इसके मल्टीप्लेयर फीचर की वजह से ही बना था, लेकिन जैसा कि हर अच्छी चीजों के साथ में होता है, हिल क्लाइंब रेसिंग फ्रेंचाइज का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था? वेल, देखा जाए तो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में काफी जल्दी चेंजेस आ रहे थे, जिससे हिल क्लाइंब रेसिंग फ्रेंचाइज के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया, क्योंकि अब नए और इनोवेटिव गेम्स आने लग गए थे, एंड लोग भी हिल क्लाइंब रेसिंग को छोड़कर दूसरे गेम्स को प्रेफर करने लग गए थे। गेमर्स हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स और एडवांस्ड गेम प्ले डिमांड कर रहे थे, लेकिन हिल क्लाइंब रेसिंग 1 इन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हिल क्लाइंब रेसिंग 2 के तो ग्राफिक्स भी अच्छे थे और गेम प्ले भी बढ़िया था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी गेम के साथ नहीं होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आया जब गेम के अंदर बहुत से हैकर्स आ गए,
जिससे एग्जिस्टिंग फैंस का इंटरेस्ट गेम से धीरे धीरे जाने लगा। कुछ सालों में बैटल रॉयल गेम्स भी पॉपुलर हो गए एंड लोगों ने धीरे धीरे उन गेम्स पे स्विच कर दिया। और यही रीजन है कि अब हिल क्लाइंब रेसिंग फ्रेंचाइज अब उतनी पॉपुलर नहीं रही। लेकिन कुछ भी कहो, इस फ्रेंचाइज ने मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में अपना अलग ही नाम बनाया है। डेवलपर्स ने प्रूव कर दिया कि कैसे सिंपलेस्ट प्लॉट वाले गेम्स भी ऑडियंस के दिलों तक पहुंच सकते हैं। और अब किसी चीज का वेट है तो वो है हिल क्लाइंब रेसिंग 3 का। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि फिंगर्स ऑफ हिल क्लाइंब रेसिंग 3 के साथ कब आते हैं। वेल गाइस, जब तक हिल क्लाइंब रेसिंग 3 नहीं आ जाता, मैंने सोचा कि हम क्यों ना खुद का हिल क्लाइंब रेसिंग गेम बनाए और वो भी 3D में। तो इस गेम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यूनिटी हब ओपन करके हिल क्लाइंब रेसिंग 3D नाम का एक प्रोजेक्ट बना लिया। यूनिटी इंजन ओपन हो चुका है और जो हमें सबसे पहला काम करना है वो है कार कंट्रोलर बनाना। लेकिन उससे पहले बनाते हैं प्लेन सिंपल ग्राउंड, जिसे बाद में भी रिप्लेस किया जा सकता है। फिर कार बनाने के लिए सिंपल सा क्यूब और सिलेंडर लिया और हमारा गेम रेडी है। नहीं भाई, जोक था, कृपया कमेंट्स में गाली ना लिखे। ग्राउंड और कार तो रेडी था, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट डाल दी जाए। आखिर कार को भी तो कंट्रोल करना है ना। अब कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट कौन ही खुद से बनाएगा, इसलिए हमने चैट GPT का सहारा लिया है, जिसने हमें एक बेसिक स्क्रिप्ट बनाकर दे दिया। एंड ये है सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, क्योंकि चैट GPT जो कचरा बनाकर देगा उसे भी तो सही करना है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है स्क्रिप्टिंग की तो चैट GPT यूज मत ही करना। अब चैट GPT ने जो स्क्रिप्ट बनाकर दिया था उसमें बहुत ज्यादा ही मिस्टेक्स थी। भाई क्या हो रहा है ये। तो इस स्क्रिप्ट को हमें काफी फिक्स करना पड़ा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि चैट GPT की हेल्प से हमारा काफी सारा टाइम बच गया, क्योंकि हमने यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं किया था। तो 2-3 घंटों की मेहनत के बाद हमारा बेसिक कार कंट्रोलर भी रेडी था, बट स्टिल इट्स नॉट परफेक्ट। अब अभी तक हम कार के लिए सिलेंडर और क्यूब का यूज कर रहे थे, जिसे चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसीलिए हमने सोचा कि खुद से कार का मॉडल ना बनाकर कहीं से उठा लिया जाए। और आ गए हम स्केच फैब पर। यहाँ पे हमें हिल क्लाइंब रेसिंग 2 के ही एक बगी का मॉडल मिल गया, जिसे हमने उठा लिया और अपने खटारे व्हीकल से रिप्लेस कर दिया। अब हमें सेटअप करना था कैमरा कंट्रोलर, और इसकी भी स्क्रिप्ट चैट GPT से बना ली, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स थे तो उसे भी फिक्स करना पड़ा और इसमें काफी मेहनत लगी। अब मैं हमारे हिल क्लाइंब रेसिंग को ऑर्डिनरी नहीं बनाना चाहता था, एंड इसमें और ज्यादा यूनिकनेस डालने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसमें सबवे सर्फर्स की तरह पावर अप्स को भी ऐड किया जाए। अगर आपको नहीं पता तो आप सबवे सर्फर्स में जेट पैक पावर अप भी ले सकते हो, जो कि कुछ टाइम के लिए आपको हवा में ले जाता है। तो सेम हमने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाया। अब हिल क्लाइंब रेसिंग में जेट पैक तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो काफी अजीब लगेगा देखने में, इसलिए हमने एक एयरप्लेन को ऐड करने का सोचा है। तो एयरप्लेन को एज ए पावर अप ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्लेन का भी कंट्रोलर बनाना था। तो प्लेन का भी मॉडल हमने स्केच फैब से डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लिया। प्लेन के लिए कंट्रोलर स्क्रिप्ट भी बनाकर प्लेन पर डाल दिया, लेकिन कोडिंग करना अभी भी बाकी था। और फिर घंटों की कोडिंग और बग फिक्सेस के बाद एयरप्लेन कंट्रोलर भी रेडी था। अब हमने गेम के अंदर नॉर्मल कार और एयरप्लेन तो ऐड कर दिया, लेकिन आखिर हम इन दोनों में स्विच कैसे करेंगे। वेल, प्लान ये है कि कॉइंस की तरह हमें हिल पे एक पिकअप आइटम मिलेगा, जिसे लेने के बाद हमारी कार एक एयरप्लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ आपने Crew 2 गेम में भी देखा होगा। तो इस पिकअप आइटम के मॉडल को भी बनाना था, जिसके लिए हमने एक सिलेंडर लिया और उसके शेप को कॉइन की तरह बना दिया। एंड जो इसके टेक्सचर्स हैं वो हमने फोटोशॉप में बनाया है। अब बारी थी कोडिंग की। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ पे मेरी कार एयरप्लेन में तो कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन वापस एयरप्लेन से कार में नहीं बदल रही थी। और अजीब बात तो ये है कि हमने कोडिंग को चेक किया जो कि बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी हमारे सामने। फिर हमें रियलाइज हुआ कि इस कोड से कार डिसेबल होके एयरप्लेन में इनेबल हो रही है। तो स्विचिंग वाली स्क्रिप्ट कार के साथ अटैच थी, जो कि पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो फिर हमने स्क्रिप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट कार और सेकंड स्क्रिप्ट में एयरप्लेन कार के साथ अटैच कर दी, जो कि अब सही से काम कर रही थी। वेल, अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया तो भाई सॉरी, मुझे भी समझ में नहीं आया यहाँ पे क्या हो गया। अब हम अपने हिल क्लाइंब रेसिंग 3D गेम को मोबाइल के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें टच कंट्रोल्स होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने प्रोजेक्ट सेटिंग से प्लेटफॉर्म विंडोज से चेंज करके एंड्रॉइड पर स्विच कर दिया। फिर कैनवास में भी कुछ बटन्स ऐड किए, देन बटन्स पर वर्टिकल इनपुट का सपोर्ट दिया। इसी के साथ हमने यहाँ पे पॉज और रीस्टार्ट बटन भी ऐड किए। तो अब ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स भी रेडी हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है गेम का टेरेन। तो स्केच फैब पे हमें हिल क्लाइंब रेसिंग 2 के ही मैप का एक छोटा सा पार्ट दिखा, तो हमने उसे भी डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लिया। अब इस एग्जैक्ट मैप को हम यूज नहीं करने वाले, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और इसका ग्राउंड तो 3D है, लेकिन बाकी सारी चीजें 2D हैं। तो हमने इस मैप को ही मॉडिफाई किया है। ग्राउंड तो सेम है, लेकिन पीछे की चीजें जैसे कि बैकग्राउंड हिल्स, रॉक्स एंड ग्रास वगैरह ऐड किया। लेकिन कुछ चीजों को ऐड करने के बाद परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे थे, तो उन्हें रिमूव करना पड़ गया। अब मैप वगैरह ऐड करने के बाद हमने नोटिस किया कि आप कार को एयर में कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। ये फीचर तो हमने डाला ही नहीं। I mean, जैसे आप हिल क्लाइंब रेसिंग में सेम ही बटन से कार को वर्टिकली कंट्रोल कर सकते हो, तो इस फीचर को भी हमें अपने गेम के अंदर ऐड करना था, जिसके लिए हमने एक स्क्रिप्ट लिखा जिससे कार को वर्टिकली कंट्रोल किया जा सकता है विद W and S कीज। अब हिल क्लाइंब 1 और हिल क्लाइंब 2 में सारे ही लेवल्स एंडलेस हैं, चाहे आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो, ये लेवल्स कभी भी खत्म नहीं होते। तो इसे भी अपने गेम में ऐड करने के लिए हमने इनफाइनाइट मैप जनरेशन की स्क्रिप्ट लिखी। ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं।
क्योंकि लेवल एंड होने पे नेक्स्ट मैप प्रीफैब स्पॉन करने के लिए पोजीशन डालना होगा कि कहाँ पे मैप का पार्ट स्पॉन हो, तो उसके लिए करंट मैप के एंड में एक पोजीशन बनाया जहाँ प्रीफैब स्पॉन होगा। प्रीफैब यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एम्प्टी हो या फिर उसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट कोलाइडर वगैरह कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं और उसे प्रोजेक्ट में एज ए बंडल या फिर टेम्पलेट रख लिया जाए, जिससे इन फ्यूचर दोबारा से सेम चीज बनाने के लिए हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसके बाद हमने पोजीशन को एडजस्ट किया, गेम की बार बार टेस्टिंग की एंड फाइनली हमारा इनफाइनाइट मैप रेडी था। तो करेक्टर मॉडल भी हमने स्केच फैब से उठा लिया, देन मिक्स एमो से रिक करके एनिमेशन भी कर लिया और फिर प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट करके कैरेक्टर पर एनिमेशन भी डाल दिया। अब हमारा गेम ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं, जैसे कि मेन मेन्यू, फ्यूल और कॉइन सेटअप करना। अब फिलहाल के लिए गेम में तीन मैप होने वाले, पहला मैप हिल वाला आपने देख ही लिया, सेकंड मैप स्नो लेवल होगा जिसके लिए कैमरा पे ग्लोबल स्नो एसेट का यूज किया और हमारा लेवल 2 भी रेडी है। थर्ड मून लेवल होगा जिसके लिए ग्रेविटी को -9.81 से -2 कर दिया एंड ग्राउंड के टेक्सचर एंड मून का मॉडल हमने स्केच फैब से उठा लिया और यहाँ पे हमारा थर्ड लेवल भी रेडी है। अब हमारे गेम में कोई भी फ्यूल सिस्टम नहीं था, तो इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखा जिसमें दो इंटीजर या फिर फ्लोट है, फर्स्ट टोटल फ्यूल एंड सेकंड करंट फ्यूल। करंट फ्यूल स्टार्ट में टोटल फ्यूल के इक्वल होता है और एवरी फ्रेम करंट फ्यूल की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और ये स्क्रीन पर फ्यूल बार में शो भी होता रहेगा। अब रिफ्यूलिंग के लिए एक और फंक्शन लगाया जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्यूल कैन टैग के साथ अगर कॉन्टैक्ट करेगा तो उसके करंट फ्यूल की वैल्यू अगेन 40 हो जाएगी जो कि मैक्सिमम है, और जेरिकैन के मॉडल का साइज भी 0 कर दिया जिससे कि लगे कि फ्यूल कलेक्ट हो चुका है। अच्छा, जेरिकैन का मॉडल भी हमने स्केच फैब से लिया, तो हमारा जेरिकैन भी रेडी था जिसे फ्यूल कैन का टैग देकर मैप में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्लेस कर दिया। तो अब कार जैसे ही जेरिकैन को टच करेगी करंट फ्यूल की वैल्यू 40 हो जाएगी। हमने कुछ इमेजेस और टेक्स्ट का यूज करके सिंपल सा गेम ओवर स्क्रीन बना लिया 3 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, जैसे कि आउट ऑफ फ्यूल, व्हीकल क्रैश्ड एंड एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हमारे गेम में कोई भी कॉइन्स नहीं है, तो इसे भी बनाना बहुत ही इजी था जस्ट लाइक फ्यूल सिस्टम। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 है जो कि कॉइन्स कलेक्ट करने पर 3 रैंडम वैल्यूज को ऐड करेगा, 5, 25 एंड 100। कलेक्टेड कॉइन्स स्क्रीन पर भी शो होगा एंड ये मेमोरी में सेव भी होता जाएगा। तो अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है जिसे हम 1-2 दिनों के अंदर ही प्ले स्टोर पर पब्लिश करने वाले हैं और आप भी इसे डाउनलोड करके खेल पाओगे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जाओ गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, रेटिंग दो और हमें कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट फीचर हमें इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।